subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So, दोस्तों अगर आप एक क्लिक की मदद से कॉइन मास्टर में अपनी मर्जी का फॉन्ट ऐड करना चाहते हो, मेरा मतलब है कस्टम फॉन्ट ऐड करना चाहते हो, तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को एक ही क्लिक की मदद से आप किस तरह कॉइन मास्टर में अपनी मर्जी के फॉन्ट ऐड कर सकते हो, चाहे जितनी भी हो वो ही बताने वाला हूँ। सो यार वीडियो को कहीं पर भी मिस ना करें, वीडियो को लाजमी लास्ट तक देखते रहिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट मोहसिन, आप देख रहे हो टेक्निकल स्माइल की एक और न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्यारे भाइयों, आपके क्लिक करने से कुछ जाने वाला नहीं, आपके भाई का थोड़ा फायदा हो जाएगा। अब इसे वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से करें आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो चलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर ये वाली काइन मास्टर अपडेट वर्जन आपको चाहिए सो मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताता चलूँ। चलिए इसके अपडेट वर्जन के बारे में बात करें तो ये दोस्तों 5.2.10 वर्जन मौजूद है मेरे पास, और दोस्तों इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम एरर नहीं आ रही है। अब चलिए देखते हैं इसमें फंड किस तरह ऐड होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों हम काइन मास्टर में आ चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम चलिए न्यू क्रिएट पे जा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। सो न्यू प्रोजेक्ट पे हमने सेलेक्ट कर दिया, चलिए यहाँ पर से एक वीडियो, एक फोटो, एक कुछ भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्ज करें ये वाले हमने इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको हमने इंपोर्ट कर दिया, ये इंपोर्ट हो गया। अब इसमें हमने ऐड किस फंड किस तरह ऐड करने हैं वो मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इसका इन मास्टर में आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी, वाटरमार्क नहीं आएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने देखना होगा, यहाँ पर किसी किस्म की प्रॉब्लम 4K में आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो। यहाँ पर 4K तक का दोस्तों आपको रिजोल्यूशन आपको मिल जाता है। लेयर पे हम जाएंगे, फॉन्ट टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद चलिए यहाँ पर हम कुछ एडिट कर लेते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एडिट कर लिया, यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं AA पे। सो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो बहुत सारे फंड मेरे पास मौजूद है। अब ये फंड कहाँ से आए, कैसे मैंने ऐड कर दिए, वह मैं आप लोगों को आसान तरीका बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस का आइकन नज़र आ रहा है, जस्ट इस पर आपने टैप कर देना है। अब जहाँ पर भी आपके फंड्स होंगे, फंड्स आपको दोस्तों ऑनलाइन मिल जाएंगे, फंड्स आपको दोस्तों ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फंड्स मिल जाएंगे। अगर आप लिख लेते हो गूगल में के TTF तो दोस्तों आपको बहुत स्टाइलिश फंड्स मिल जाएंगे। प्लस के आइकन पर जैसे आप क्लिक कर लेते हो, अब जहां पर भी आपके फंड पड़े होंगे, जैसे कि ये वाले हमारे फंड मौजूद हैं, सो मैं जिस पर भी क्लिक कर लेता हूं तो ये फंड ऐड हो जाता है। तो देखिए दोस्तों ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अब ये इस तरह आ चुके हैं। ये सारे के सारे फंड मैंने खुद ही ऐड किए हुए इस प्लस के आइकन के ज़रिए, ठीक है। सो किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी से करें। यहाँ पर बहुत कमाल के फंड, आपको उर्दू फंड भी आप ऐड कर सकते हो, इंग्लिश भी ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।